हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अडेनियम ग्रोवर्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अडेनियम के कोडेक्स को कैसे मोटा करें। बहुत से लोगों की क्वेरी होती है कि अडेनियम का कोडेक्स हम जल्दी कैसे मोटा करें, क्या फर्टिलाइज़र दें जिसकी वजह से कि मेरा अडेनियम का कोडेक्स जल्दी मोटा हो जाए। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे आपसे। फ्रेंड्स, अडेनियम की जो खूबसूरती होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ कोडेक्स से होती है। बहुत से लोग फ्लावर को पसंद करते हैं और बहुत से लोग कोडेक्स को लेके अडेनियम को लगाते भी हैं। तो अडेनियम का देखने में जो खूबसूरती आता है वो उसके कोडेक्स से ही आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे अडेनियम का कोडेक्स कितना बढ़िया है, और ये मेरा ओनली 2 ईयर्स का अडेनियम है, 2 ईयर्स ओल्ड है। इसको मैंने सीड से ग्रो किया था, कोई ख़ास केयर नहीं किया है और ना ही कोई फर्टिलाइज़र दिया था मैंने। ये देख सकते हैं आप, ओनली मैं सैंड और वर्मी कंपोस्ट में मैंने लगाया हुआ था इसको। जहाँ तक फ्रेंड आती है कोडेक्स की बात, तो ये एक नेचुरल होता है कि अडेनियम में कोडेक्स काफ़ी अच्छा बनता है, और जितना ही अच्छा कोडेक्स होता है, मैच्योर होता है, उतना ही अच्छा देखने में इसका अडेनियम का लुक आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अडेनियम के कोडेक्स को मोटा करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसकी वजह से कि आपके भी अडेनियम के कोडेक्स बहुत ही जल्दी मोटे हो जाएंगे। जैसे कि ये देखिए, मेरा लास्ट ईयर का प्लांट है और कितना हार्ड है और अभी छोटा सा है। मैंने इसको लास्ट ईयर ही परचेज़ किया था, अभी इसको 1 ईयर भी नहीं हुए हैं, और जब मैंने लिया था बहुत ही छोटा सा था, इतनी ही हाइट इसकी थी। और उसके बाद से मैंने इसको प्रून करके थोड़ा सा बड़ा किया है। तो फ्रेंड्स, आप कोडेक्स को बड़ा करने के लिए जो होता है, तो आप प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रून करें, मतलब कि जितना ज़्यादा आप प्रून करेंगे, ब्रांचेस छोटी रहेंगी तो उसका जो शेप होता है वो कोडेक्स को बड़ा करने में जाता है। जैसे आप प्रून कर दीजिएगा तो ऊपर से जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाएगी, और अडेनियम जो अपना एनर्जी लेता है वो कोडेक्स को बड़ा करने में लेता है। तो जैसे जैसे इसके ब्रांचेस छोटे होते जाएंगे, जैसे आप प्रून कर दिए यहाँ से, तो प्रून करने के बाद इसकी ग्रोथ यहाँ से रुक गई, ग्रोथ रुकेगी तो फिर जो ये एनर्जी लेता है तो ये कोडेक्स को देगा। कोडेक्स को जैसे जैसे एनर्जी मिलेगी, आपका ये अडेनियम का कोडेक्स जो है फुलता जाएगा और मोटा होते जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको कोई फर्टिलाइज़र की बात करें तो कोई फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं देना होता। ये जैसे जैसे आपके मानसून का सीज़न होता है, जितनी ज़्यादा बारिश का पानी इसको मिलता है और उतना ही ज़्यादा ये मोटा होता है, अपने आप को करता है। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि अडेनियम के कोडेक्स को कैसे मोटा करें, तो मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया हुआ है। जो भी मैं फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ वो फ्लावरिंग के लिए यूज़ करती हूँ, लेकिन इसके कोडेक्स को मोटा करने के लिए मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया है। जो भी ग्रोथ है मेरे अडेनियम के कोडेक्स का देख सकते हैं आप, खुद भी देख सकते हैं। ये प्लांट मेरा इस साल रॉट हो गया था, नहीं तो इसका कोडेक्स सबसे बड़ा इसका कोडेक्स था। कहें तो इस प्लांट का वेट जो था अप्रॉक्स 15 kg था। लास्ट ईयर मैंने वेट किया था 15 kg था, बट इस साल इसका कोडेक्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया, मैंने आधे से ज़्यादा कोडेक्स इसका कट कर दिया। तो इसका कोडेक्स का लुक थोड़ा सा अच्छा नहीं आता है, बट इसका कोडेक्स आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आता है। और कहें तो इसका वेट मैंने किया नहीं है, और ये काफ़ी हैवी प्लांट है। तो फ्रेंड्स, ये नेचुरल होता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको टाइम टू टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, जिसकी वजह से कि आपके अडेनियम के कोडेक्स मोटे होते जाते हैं। आपके यहाँ जितनी ज़्यादा मानसून होगी, मतलब बारिश का पानी इसके लिए एक अमृत होता है, अमृत की तरीके से है। आप बारिश का पानी या तो स्टोर करके इसको देते जाइए, या फिर नेचुरल बारिश होती है तो उसमें पड़े रहने दीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से कोडेक्स को फुलाता है, और जितना ज़्यादा ये पानी स्टोर करते हैं अपने में, उतना ही ज़्यादा ये मोटे होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप इसकी लीव्स ही अगर आप थोड़ी सी कट कर दीजिए, जैसे इतनी छोटी सी लीव्स को आप कट करते हैं तो यहाँ से पानी निकलता है, तो अडेनियम में कितना पानी होता है। अडेनियम एक डिज़र्ट रोज़ कहलाता है। डिज़र्ट रोज़ का मतलब होता है कि रेगिस्तान का गुलाब। तो उसी तरीके से कम पानी चाहिए होता है। अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं तो ये फूलता जाता है, और फूलेगा तो इसके कोडेक्स मोटे होते जाते हैं।
कोडेक्स को मोटा करने के लिए कोई भी फर्टिलाइजर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसको बारिश का पानी सबसे बेस्ट माना गया है। बारिश का पानी इसको जितना ज़्यादा मिलता है उतना ही ज़्यादा इसका कोडेक्स मोटा होता है और फूलता जाता है। आप देख सकते हैं मेरे सभी अडेनियम को देखिए, ये छोटा सा है। अभी लास्ट ईयर ही मैंने इसको परचेज किया था, कहें तो सितंबर में परचेज़ किया था, सितंबर में मैंने इसको परचेज़ किया था। बाकी ये देखिए, ये सभी मेरे सीड ग्रोन किए हुए प्लांट हैं। मैंने कोई भी प्लांट परचेज़ नहीं किए हैं। मुझे सीड से ग्रो करना ज़्यादा ईजी लगता है और सीड ग्रोन ही मैं मोस्टली प्लांट अपने सीड ग्रोन ही करती हूँ। और ये देखिए, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। मैंने सबको प्रून करके एक अच्छी तरीके से शेप दिया हुआ है। बोनसाई लुक मैंने दिया है, और बोनसाई लुक देते जाइए आप इसको अडेनियम को, उतना ही ज़्यादा आपका कोडेक्स फैटी बनता जाता है। इसलिए अडेनियम कोडेक्स को मोटा करने के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप अपने अडेनियम को बोनसाई लुक देते जाइए और अडेनियम आपका अपने आप मोटा होता जाएगा। और बारिश का पानी इसको ज़्यादा से ज़्यादा बारिश में रखिए, जिससे कि बारिश का पानी इसको मिल सके। और बारिश का पानी जितना ज़्यादा इसको मिलेगा उतना ही ये बहुत ही फैट होता जाएगा इसका कोडेक्स। या तो आप बारिश का पानी इसको स्टोर करके देते जाइए, या फिर आप इसको बारिश जब होती है तो बारिश में ही छोड़ दीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से मोटा हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि बारिश का पानी लगने पर रॉट हो जाता है, तो फ्रेंड्स रॉट होने का रीज़न यही होता है कि आपका मीडिया वेल ड्रेन्ड नहीं होता है। ये देखिए, मेरे यहाँ कल बारिश हुई, रात में बारिश भी हुई, ओले भी पड़े, लेकिन मेरे पॉट में बिल्कुल भी पानी नहीं पड़ा हुआ है। पहले तो मैं पॉट में जो स्पेस रखती हूँ ऊपर से पूरा फुल कवर करके रखती हूँ ताकि इसमें पानी स्टोर ना हो। और इसमें देखिए कवर नहीं किया मैंने, इसमें कहें तो 2 इंच का स्पेस है, लेकिन फिर भी देखिए इसमें पानी होल्ड बिल्कुल नहीं है। मैंने स्टिक पॉलिनेशन जो किया था वो सारे फ्लावर मेरे बारिश की वजह से खराब हो गए, इस वजह से मैंने इसी में रख दिया है। बिल्कुल भी पानी नहीं रुका हुआ और मीडिया देखिए वेल ड्रेन्ड है। वेल ड्रेन्ड सभी की वीडियो में आप सुनते होंगे कि अडेनियम को कैसा मीडिया चाहिए, तो अडेनियम को वेल ड्रेन्ड मीडिया चाहिए। तो हाँ, वेल ड्रेन्ड मीडिया देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप वेल ड्रेन्ड मीडिया दीजिएगा अडेनियम को तो आप हर मौसम में टेंशन फ्री रहिएगा, आपको कोई भी चीज़ का टेंशन नहीं होगा कि मेरे अडेनियम में कहीं बारिश इतनी ज़्यादा हुई तो कोई कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो देखिए मैंने इस तरीके का मीडिया बनाया है और मैं टेंशन फ्री होकर रहती हूँ। चाहे बारिश हो, पत्थर पड़े, कुछ भी हो, मुझे कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि मेरे अडेनियम सारे मौसम में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ करते रहते हैं। हाँ, होता है क्या कि इनकेस कभी बाई चांस हो गया रॉटिंग वगैरह की प्रॉब्लम, तो नहीं कह सकते, नहीं तो मेरे अडेनियम बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होते हैं। और मैं जिस मीडिया में लगाती हूँ उस मीडिया में मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे बात आ गई कि मैं इनको बारिश के पानी में रखूँगी, कोडेक्स मोटा हो जाएगा। अब अगर बारिश तो मेरा होती है ऑलमोस्ट कहें तो रेनी सीज़न में ही, केवल रेनी सीज़न के बाद हम क्या करें, जैसे कि रेनी सीज़न में ही इनको बारिश का पानी मिल पाएगा। रेनी सीज़न के बाद मैं इसको अब कैसे क्या करूँ, फर्टिलाइज़र दूँ कि ये मोटा हो, क्योंकि अगर हम बारिश के भरोसे रहेंगे तो फिर मोटा कर पाना इतनी जल्दी थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो आप इसको NPK आता है, NPK आप देते जाइए, थोड़ी सी कम क्वांटिटी दीजिएगा, क्योंकि NPK जो होता है केमिकल फर्टिलाइज़र होता है, उसे प्लांट भी थोड़े से बर्न हो जाते हैं, लीव्स बर्निंग हो जाती है। तो थोड़ी सी कम क्वांटिटी यूज़ करिए और टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब कि थोड़ा सा कहें तो अर्ली मॉर्निंग दीजिए या फिर इवनिंग के टाइम में दीजिए। ज़्यादा तर बेस्ट आपका रहेगा कि इवनिंग के टाइम में दीजिए। इवनिंग के टाइम में देते हैं तो आपको दिन भर का जो प्लांट को धूप लगा रहता है उसके बाद प्लांट ठंडा हो जाता है। 6 बजे के बाद आप दीजिए, मीडिया भी ठंडा हो जाएगा 6 बजे के बाद दीजिए। उसके बाद ओवरनाइट ठंडे में रहेगा तो एक तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। NPK दीजिए, NPK का भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी छोटी सी चीज़ें जिनको कि आप ध्यान देते रहिएगा तो आपके प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ करेंगे और बहुत ही कम टाइम में अडेनियम का कोडेक्स हो जाएगा मोटा। अभी आप मेरे 1 साल का ये कोडेक्स देख रहे हैं और ये 2 साल का कोडेक्स देख रहे हैं, दोनों में फ़र्क देखिए। मैंने लास्ट ईयर परचेज़ किया था सितंबर में, और सितंबर के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ का है ये मेरे पास, और शायद हो सकता है कि 3-4 महीने का होगा जब मैंने लिया था। इतना छोटा सा था ये, हाइट इसकी इतनी छोटी थी और ये मुझे अप्रॉक्स 300 का मिला था। तो इसकी हाइट देखिए और इसकी हाइट देखिए, साइज़ भी देखिए इतनी ही छोटी है। ये वाली स्टेम को मैंने प्रून नहीं किया था, छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें सीड पॉट बने हुए थे। बाकी सारी ब्रांच मैंने प्रून कर दी है और सारी मेरी बोनसाई लुक में देखने को आ रहे हैं और कितना खूबसूरत से इसका कोडेक्स लगता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मोस्टली आप 2 ईयर्स में आपका कोडेक्स मोटा हो जाएगा। और उसके बाद आप टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देते रहेंगे, फीडिंग करते रहेंगे, तो ऑलरेडी ये और मोटा होते जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये थी एक छोटी सी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और देख रहे हैं मेरे अडीने में बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग हो रही है।